आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक्चुअली वायरस का टॉपिक है। वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं आता है, इसीलिए इसे किसी भी किंगडम के अंदर कोई दर्जा नहीं दिया गया है, लिहाजा वायरस को हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। वायरस होते क्या है? वायरस एक्चुअली बहुत ही छोटे छोटे से माइन्यूट, वायरस आर वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल नॉन सेलुलर बॉडीज। नॉन सेलुलर होते हैं, माइन्यूट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटे होते हैं। नॉन सेलुलर होते हैं तो वही बात कि जैसा कि मैंने कहा कि इनका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए सेल से भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सेल की डेफिनेशन ऑलरेडी हम जानते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो वायरस जो है वो नॉन सेलुलर होते हैं एंड दे प्लेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रखे गए हैं, यानी बॉर्डर पर रखे गए हैं। अभी तक इनके बारे में ये डिसाइड नहीं हो सका कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि कुछ बिहेवियर लिविंग की तरह का करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन नॉन लिविंग इसलिए कहेंगे कि आउटसाइड ऑफ लिविंग बॉडी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर थोड़े से मैं वायरस की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करूं तो वायरस की हिस्ट्री में मजे की बात यह है कि दो साइंटिस्ट लुईस पाश्चर और एडवर्ड जेनर ने एक्चुअली वो वैक्सीन तो इजाद कर ली थी जिस जो कि वायरस का इलाज था, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था एक्चुअली वायरस होते हैं या वायरस का इलाज उन्होंने दरियाफ्त कर लिया है। वायरस के बारे में सबसे पहले जो हमें बताया वो आइवेनो स्काई ने इन 1892 में बताया। 1892 में सबसे पहले फर्स्ट टाइम वायरस की डिस्कवरी आइवेनो स्काई ने की। इसने क्या किया, सबसे जो पहले हिस्ट्री के लिहाज से बात करें तो वायरस के बारे में ये समझा जाता था, लोग ये समझते थे कि वायरस एक्चुअली कोई हवा होती है या कोई सजा होती है जो चलती है, हमारे गुनाहों के सबब चलती है और हमारी फसलों को तबाह कर देती है या हमारी बॉडी पर किसी किस्म के जो निशानात हैं वो आ जाते हैं उस चीज़ के, तो ये समझा जाता था। इसलिए वायरस का जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया और इसका मतलब होता है पॉइजन। वायरस इज इक्वल टू पॉइजन, वायरस का मतलब पॉइजन होता है, यानी कोई जहरीली हवा है जो फसलों को तबाह करती है, ये नजरिया इसके बारे में था। उसके बाद जो है उसका इलाज तो जैसा कि मैंने बताया कि लुईस पाश्चर और एडवर्ड जेनर ने इजाद कर लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वायरस भी कुछ होता है, मतलब एक्चुअली ये इसकी एक अलग हैसियत मौजूद है। तो आइवेनो स्काई ने 1892 में टोबैको मोज़ेक वायरस को डिस्कवर किया, टोबैको के प्लांट से, तंबाकू के प्लांट से। जैसा कि हम जानते हैं कि तंबाकू के प्लांट की तो सारी की सारी जो इनकम होती है वो उसके लीव से ही होती है, और पूरी पूरी फसलें तबाह कर दिया करता था, यानी उन कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ करता था, इसलिए इसके ऊपर काम किया गया और तंबाकू के पत्ते पर से इसको आइसोलेट करके और वायरस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मालूम हुए। वायरस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इससे पहले मैं नॉन सेलुलर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि नॉन सेलुलर होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट कैसे पैरासाइट होते हैं? पैरासाइट एक्चुअली वो होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी गिजा हासिल करते हैं, अपना फ़ायदा हासिल करते हैं और उसके बदले में दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टर्म ऑब्लिगेट यूज हुई है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है यानी पैरासाइट कैन लाइव विदाउट हिज होस्ट, मतलब अपने होस्ट के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट अपने होस्ट के बगैर नहीं रह सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट के लिए अगर होस्ट मौजूद ना हो तो वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, वो लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करते, इसलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया है, यानी कि इनके लिए इनके होस्ट का होना जरूरी है। नंबर 3 पर देख लेते हैं, कैन नॉट लाइव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड द लिविंग बॉडी। वही बात जो मैंने ऑब्लिगेट पैरासाइट का कैरेक्टर बताया, यानी कि ये लिविंग बॉडी या अपने होस्ट के बगैर ना जिंदा रह सकते हैं ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। साइज, साइज इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही छोटा होता है, माइन्यूट साइज होता है। साइज रेंज इनकी 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक होती है। नैनोमीटर को अगर आपको समझना है तो मैं ये बता सकती हूँ कि 1 नैनोमीटर 1 मिलीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं।
इसका जो साइज एक्चुअली बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इस बात का कैसे पता चला कि जब आइवनोस्काई ने इनको बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन से पास करना चाहा तो ये बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन से पास होगा। बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन एक्चुअली एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते हैं, यानी कि अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहे जिसमें बैक्टीरिया की एंट्री ना हो तो उस सिस्टम को हम बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन से कवर कर देंगे, लेकिन वहाँ वायरस का खतरा मौजूद होगा क्योंकि वायरस बैक्टीरिया प्रूफ मेम्ब्रेन को पास करने की सलाहियत रखते हैं। इनका साइज ही इतना छोटा सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वायरुलेंट होते हैं या टेम्परेट होते हैं। एक्चुअली नेक्स्ट इसी लेक्चर में आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वायरस की जो लाइफ साइकिल होती है वो दो तरह की होती है। एक लाइटिक साइकिल होती है, एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लाइटिक का मतलब ही एक्चुअली डेथ होता है, लाइटिक होती है तो डेथ हो जाती है। तो जो वायरुलेंट वायरस होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही तरह की लाइफ साइकिल मौजूद होती है जो कि लाइटिक लाइफ साइकिल होती है, और उसमें के नतीजे में जो भी होस्ट होता है उसकी एक्चुअली अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। जबकि टेम्परेट वायरस जो होते हैं उनमें दो तरह की लाइफ साइकिल मौजूद होती है, एक लाइटिक यानी कि डेथ हो भी सकती है लेकिन लाइसोजेनिक या अपने वायरस की बॉडी के अंदर रहते हैं लेकिन जो होस्ट है उसकी डेथ का सबब नहीं बनते हैं। जैसे जैसे होस्ट के सेल रिप्रोड्यूस होते हैं वैसे वैसे ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी दोनों एक एसोसिएशन के साथ लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है उनका होस्ट, वो उसकी मौत का सबब नहीं बनते हैं। आगे चलते हैं, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हमने करेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअली वायरस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। वायरस के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पर फोर टाइप्स जो है वो डिस्क्राइब की गई है। सबसे पहले स्फेरिकल राउंड शेप होती है, ये रेड कलर का जो आप लोगों को हिस्सा नजर आ रहा है ये एक्चुअली प्रोटीन का बना हुआ होता है, और ये जो ब्लैक कलर का सेंटर में हिस्सा नजर आ रहा है ये डीएनए या आरएनए का बना हुआ हो सकता है, सिंपली हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। तो कोई भी वायरस सिंपल वायरस जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स है। ये स्फेरिकल वायरस है, स्फेरिकल वायरस एक्चुअली पोलियो वायरस भी कहलाता है। पोलियो के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे कि पोलियो या उससे इन्फेक्टेड पर्सन को आप लोगों ने देखा हुआ होगा। ये जो स्फेरिकल या पोलियो वायरस है ये जिस पर्सन पर अटैक करता है एक्चुअली उसकी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देता है या उसकी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है। उनसे उन ब्रेन सेल्स से जहाँ भी बॉडी के जिस हिस्से को भी मैसेजेस जा रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और वो बॉडी का वो हिस्सा जो है वो एक्चुअली पैरालाइज हो जाता है। तो ये स्फेरिकल वायरस का जो कॉमन वायरस है वो पोलियो वायरस है। नेक्स्ट है रॉड शेप वायरस। ये देखिए रॉड की शक्ल का लंबा सा वायरस नजर आ रहा है, ये भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल आपको नजर आ रहा है, एक ये लाइट ग्रीन सा हिस्सा और एक ब्लैक सा हिस्सा। जो लाइट ग्रीन हिस्सा है वो एक्चुअली इसका प्रोटीन कवर है और बीच के अंदर इसका जो न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। हर वायरस मैंने आपको बताया सिंपल से सिंपल वायरस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, एक प्रोटीन कोर और एक न्यूक्लिक एसिड। ये रॉड वायरस की जो एग्जाम्पल है वो TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस ही वो वायरस है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, यानी जो सबसे पहला वायरस है वो एक्चुअली टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको प्लांट के ऊपर, तंबाकू के पौधे के ऊपर अटैक करता है और इसके अलावा फैमिली सोलानेसी के दूसरे पौधों पर भी ये वायरस अटैक कर सकता है। लाइक जैसे आलू के पौधे हो गए, टमाटर के पौधे हो गए, फैमिली सोलानेसी के जो भी प्लांट है, बैंगन के पौधे हो गए, उनके ऊपर ये टोबैको मोज़ेक वायरस अटैक कर सकता है। इसका नाम TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस एक्चुअली इस बेस के ऊपर रखा गया है क्योंकि ये सबसे पहले तंबाकू के प्लांट से आइसोलेट किया गया था। नंबर थ्री पर है टेडपोल वायरस। टेडपोल वायरस एक्चुअली इस कॉल्ड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वायरस। वायरसेस की जो क्लास है उसके अंदर ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड वायरस कहलाता है। इसके स्ट्रक्चर को आगे हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं। नंबर फोर पर है पॉलीहेड्रल वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस का मतलब वही इसके भी पार्ट है, ये येलो पार्ट इसका प्रोटीन कवर है, सेंटर के अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए मौजूद होगा।
अच्छा पॉलीहेड्रल इसका मतलब यानी ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इसके ऊपर कई पॉली बहुत सारी जो इसके लाइनें हैं या साइड्स हैं बहुत सारी हो सकती हैं, तो इस शेप को हम पॉलीहेड्रल शेप कहते हैं। तो ये पॉलीहेड्रल वायरस है। आगे चलते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड वायरस। इससे पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि पॉली जो कॉम्प्लिकेटेड वायरस है वो एक्चुअली टेडपोल वायरस या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ये जो इस वक्त शेप आपको नजर आ रही है इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ये इंसानों पर या पौधों पर या जानवरों पर अटैक नहीं करता बल्कि ये बैक्टीरिया का वायरस है। वायरस हमेशा जो है अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी जो प्लांट्स का वायरस है वो ह्यूमंस बीइंग पर हमला नहीं कर सकता, अटैक नहीं करता। जो स्पेसिफिक यानी कि जैसे हमने टोबैको मोज़ेक की बात की है तो टोबैको मोज़ेक वायरस फैमिली सोलानेसी पर अटैक करेगा, अगर उसी के बराबर में कोई चने के पौधे लगे हुए होंगे तो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। यानी वायरस जो है अपने होस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जिसके वायरस होंगे उसी के ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया का वायरस है, नाम इसका है बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब यही होता है खा जाने वाला या खत्म कर देने वाला। यहाँ पर इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब यही है कि ये वो जो मैं सिंपल वायरस के अंदर कह रही हूँ कि एक प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा, उससे कुछ ज्यादा पार्ट इसमें मौजूद है। ये देखिए सेंटर का हिस्सा जो जिसे मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रही हूँ न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हिस्सा कहलाता है जीनोम, वायरल जीनोम। ये हिस्सा जीनोम कहलाता है। ये मौजूद ये इसमें या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। उसके बाद ये जो येलो पार्ट है ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है और इसे हम कहते हैं कैप्सिड। अच्छा समटाइम ये जीनोम और ये येलो पार्ट इन दोनों को मिलाकर हम एक कंबाइन नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। यानी जीनोम और कैप्सिड 1 और 2 को मिलाकर हम एक कंबाइन नेम दे सकते हैं, यानी इस येलो पार्ट को और बीच के पार्ट को मिलाकर हम कह सकते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। नंबर 3 पर ये देखिए ये रेड बॉर्डर आप लोगों को जो नजर आ रहा है ये कहलाता है एनवेलप। अच्छा ये एनवेलप जो है वो वायरसेस के अंदर मौजूद हो भी सकता है, यहाँ बैक्टीरियोफेज में तो मौजूद होता है लेकिन डिफरेंट वायरसेस के अंदर ये एनवेलप मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये एनवेलप भी प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, प्रोटीन्स की बनी हुई कई मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं और एक मेम्ब्रेन भी हो सकती है। उसके बाद नंबर 4 पर है ट्रेल, ये दुम की तरह का स्ट्रक्चर है, टेल की तरह का ये रेड कलर का लॉन्ग आपको नजर आ रहा है जहां पर मैं कर्सर घुमा रही हूँ, तो ये टेल कहलाती है। और उसके बाद नेक्स्ट है टेल फाइबर, ये फाइबर की तरह के रेशों की तरह के छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जो के हेल्प करते हैं होस्ट के साथ अटैचमेंट के अंदर, जिस तरह से होस्ट के साथ जाकर और वो चिपक जाए तो उसके लिए हेल्प कर रहे होते हैं। तीनों ही स्ट्रक्चर एनवेलप टेल एंड टेल फाइबर्स का ताल्लुक एक्चुअली इन जो वायरस है उनकी अपने होस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आसानी से है, यानी कि ये एनवेलप भी मदद करते हैं, टेल भी मदद करती है और टेल फाइबर भी मदद करते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इनको ये जो जीनोम है अपना ये होस्ट की बॉडी में पास करने के लिए जितनी आसानी हो सके उतनी आसानी के लिए ये स्ट्रक्चर जो है तीनों के तीनों काम कर रहे होते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेज की ये स्ट्रक्चर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से जीनोम को पास करते हैं, ये इंशाल्लाह फिर हम जो लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल के में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस क्लासिफाई करने के लिए जो वायरस को क्लासिफाई करना है उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब हम समझ सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहर से उनकी शक्ल कैसी नजर आती है, उस बुनियाद के ऊपर उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो लंबे रॉड की तरह के होते हैं, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। टीएमवी वायरस जो है ये रॉड शेप वायरस होते हैं, उसके अलावा सर्कुलर या स्फेरिकल वायरस हो सकते हैं,
स्फेरिकल कहते हैं, एक पोल की तरह का वायरस जो है और इसके अंदर ये जीनोम मौजूद है। तो ये पोलियो वायरस होते हैं और टेटपोल की शक्ल के हो सकते हैं जो कि बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। तो शक्लों के लिहाज से या मॉर्फोलॉजी के लिहाज से डिफरेंट टाइप के वायरसेस हो सकते हैं, यानी डिफरेंट शेप के वायरस हो सकते हैं। यहाँ पर 3 वायरस की शेप दी गई है, लेकिन मजीद शेप के वायरस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। मोड ऑफ ओरिजिन एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमें बताती है कि वायरस किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ है, किस तरह से एक दूसरे से ओरिजिन हुआ है, इनकी जो लिंक है आपस में उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताती है। तो इस बुनियाद के ऊपर इसकी जो क्लासेस है वो 8 कॉमन क्लासेस हैं। सबसे पहले नेकेड प्लस स्ट्रैंड वायरस। नेकेड का मतलब क्या है? नेकेड का मतलब विदाउट एनवेलप। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो रेड कलर का, यहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर है, ये कहला रहा है एनवेलप। और इससे पहले जो हम वायरस की शेप्स देख चुके हैं, लाइक ये देखिए, इसके अंदर कोई एनवेलप मौजूद नहीं, सिर्फ एक जीनोम और एक रेड कलर का जो नजर आ रहा है ये प्रोटीन कवर है। इसके अंदर भी सिर्फ जीनोम और ये लाइट ग्रीन कलर का प्रोटीन कवर है। इसके अंदर भी सिर्फ जीनोम और ये येलो कलर का प्रोटीन कवर है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लाइन मौजूद नहीं है, यानी एनवेलप मौजूद नहीं है। इट मींस कि ये स्फेरिकल, यानी कि पोलियो वायरस भी नेकेड होता है, TMV वायरस यानी रॉड शेप वायरस भी नेकेड होता है और पॉलीहेड्रल वायरस भी नेकेड होता है। जबकि यहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये एक्चुअली एनवेलप्ड वायरस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे नेकेड और एनवेलप का फर्क। चलते हैं फिर से, नेकेड का मतलब एनवेलप मौजूद नहीं है, नेकेड की जगह हम अनएनवेलप भी लिख सकते हैं। तो नेकेड होते हैं पहली क्लास के जो वायरसेस होते हैं वो नेकेड होंगे प्लस स्ट्रैंडेड होंगे। प्लस स्ट्रैंड का क्या मतलब है? प्लस स्ट्रैंड का मतलब है कि ये वायरस mRNA यानी मैसेंजर RNA के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा डायरेक्टली भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी जो होस्ट की बॉडी है उसके अंदर जाकर डायरेक्ट प्रोटीन्स भी बना सकते हैं और एक मैसेंजर RNA भी तैयार कर सकते हैं जो जाकर प्रोटीन तैयार करे। तो प्लस स्ट्रैंड का मतलब ये है कि ये दो तरह से बिहेव करते हैं या दो तरह से एक्ट करते हैं, एक मैसेंजर RNA के तौर पर एक्ट करते हैं और एक डायरेक्टली प्रोटीन बनाने की या ट्रांसलेट करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो जो फर्स्ट क्लास है उसके वायरस नेकेड होते हैं और प्लस स्ट्रैंडेड वायरस होते हैं। सेकंड में है एनवेलप। अब एनवेलप बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे ऊपर वाले अनएनवेलप हैं तो नीचे वाले एनवेलप हैं, यानी जहां पर एनवेलप मौजूद हो, एक मौजूद हो या एक से ज्यादा मौजूद हो वो एनवेलप्ड वायरस कहलाएंगे। प्लस स्ट्रैंड वही दो तरह से एक्ट करेंगे, एक डायरेक्टली भी प्रोटीन तैयार कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और मैसेंजर RNA के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। तो एनवेलप होते हैं, प्लस स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें न्यूक्लिक एसिड को डिस्क्राइब किया गया, मैं पहले बता चुकी हूँ जीनोम जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो सकते हैं, RNA भी हो सकते हैं और DNA भी हो सकते हैं। तो अब ये जो सेकंड क्लास है इसके जितने भी वायरस होंगे इस क्लास के अंदर वो एनवेलप होंगे, प्लस स्ट्रैंडेड होंगे और RNA वायरसेस होंगे। नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से माइनस स्ट्रैंड RNA वायरस, यानी कि एनवेलप हो सकते हैं, अनएनवेलप हो सकते हैं, लेकिन माइनस स्ट्रैंड RNA वायरस। माइनस स्ट्रैंड का मतलब क्या है? वही प्लस स्ट्रैंड से उलट कर लीजिए, प्लस स्ट्रैंड दो तरह से वर्क करता है, यानी मैसेंजर RNA के तौर पर भी वर्क करता है और डायरेक्टली भी प्रोटीन तैयार कर सकता है। और ये जो माइनस स्ट्रैंड होता है तो माइनस स्ट्रैंड एक्चुअली एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम विच मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज्ड, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के तौर पर काम करता है, जिससे पहले mRNA तैयार होता है और उसके बाद प्रोटीन जो है वो तैयार होती है, डायरेक्टली प्रोटीन तैयार नहीं करता है। नंबर 4 पर है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो है एक्चुअली इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए और डेफिनेशन भी आ जाती है।
2019 के का जो क्वेश्चन है अपना पेपर है उसके अंदर ये इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं, अभी तक के जितने भी पैथोजेंस दुनिया में मौजूद हैं, इन्फेक्शस पैथोजेन जो होते हैं उनके अंदर वायरॉइड सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे सिंपल नॉन इन्फेक्शस पैथोजेन है। नॉन इन्फेक्शस पैथोजेन यानी अभी तक जितने पैथोजेंस के बारे में हम जान चुके हैं या साइंटिस्ट जान चुके हैं उनमें सबसे सिंपल है। और इसका सिंपल किस तरह से है कि एक्चुअली इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो भी वायरस है वो कम अज कम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि एक बार फिर देखते हैं कि जीनोम एंड प्रोटीन कवर यहाँ पर जीनोम एंड प्रोटीन कवर, लेकिन वायरॉइड्स जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल नहीं होते हैं बल्कि वायरॉइड्स सिंपली आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनमें प्रोटीन मौजूद ही नहीं होती, यानी जस्ट एक आरएनए का पीस होता है जो कि वायरॉइड्स कहलाता है। प्रोटीन कवर इनके इर्द गिर्द मौजूद नहीं होता। तो सिंपली अगर वायरॉइड को हम डिफाइन करें तो वायरॉइड एक्चुअली इज अ पीस ऑफ आरएनए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस भी हम लिख सकते हैं, वायरॉइड और वायरस का डिफरेंस क्या है। वायरॉइड्स के अंदर सिर्फ एक आरएनए का पीस होता है जबकि वायरस दोस्तों वायरॉइड एक जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर मुश्तमिल होता है, या तो कोई प्रोटीन हो सकती है या फिर कोई आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का पीस हो सकता है, जबकि वायरस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नंबर 5 पर है डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। डबल स्ट्रैंड का मतलब कि आरएनए के जो स्ट्रैंड हैं वो डबल होंगे। नंबर 6 पर है स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस। नंबर 7 पर है मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरस। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो जीनोम के साइज का डिफरेंस है। जो जीनोम है इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि जीनोम जो बीज के अंदर कोर मौजूद है वो एक्चुअली जीनोम कहलाता है, और वो जीनोम डीएनए का हो सकता है या आरएनए का हो सकता है। इन दोनों क्लासेस में जीनोम डीएनए होगा। अब डीएनए किस तरह से बनते हैं, डीएनए एक्चुअली इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है, जिस तरह प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड की चेन है, इसी तरह से डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, जो न्यूक्लियोटाइड है उनके जो नंबर है कि कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे उस जीनोम में, उस बेस के ऊपर उसे स्मॉल मीडियम या लार्ज कह सकते हैं। अगर कम थोड़े से न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे तो स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस कहलाएगा, थोड़े ज़्यादा होंगे तो मीडियम, और बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे बड़े साइज का डीएनए होगा तो वो लार्ज जीनोम डीएनए वायरस कहलाएगा। नंबर 8 पर बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बारे में ऑलरेडी मैं यहाँ बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ कि बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। तो हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज कैसा वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली एनवेलप्ड होता है, उसके अलावा डीएनए वायरस होता है। यहाँ पर इसका जो जीनोम होता है वो डीएनए का जीनोम होता है। तो यहीं पर ही क्लासिफिकेशन के ऊपर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह हम वायरस की लाइफ साइकिल देखेंगे और इससे रिलेटेड जो वायरल डिसीजेज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।